नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेश तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। पौधे के विकास के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश के बाद सल्फर चौथा मुख्य पोषक तत्व है। सबको पता है तेल वाली फसलों में फास्फोरस जो डीएपी से मिलती है उसके बराबर ही सल्फर की जरूरत पड़ती है। सल्फर जो है हमें सिंगल सुपर फास्फेट से भी मिल जाती है और अलग से भी मिलती है, लेकिन हम ज़्यादातर डीएपी का प्रयोग करते हैं। डीएपी बहुत महंगा हो गया है और सल्फर अलग से डालते हैं, 80% वाली, 90% वाली, खर्च ज़्यादा होता है। आज मैं बात करना चाहता हूँ जिप्सम की। जिप्सम जो है सल्फर का एक सर्व उत्तम सस्ता स्रोत है, आसानी से मिल जाता है, फसलों के उत्पादन क्वालिटी को बढ़ाता है, साथ ही साथ ज़मीन का स्वास्थ्य भी बना देता है, पोरोसिटी बढ़ जाती है, जो ज़मीन जो है ना पानी सोखती नहीं है, जिप्सम डालने से पानी सोखने लगते हैं, एरेशन बढ़ जाती है उसके। जिप्सम के ऊपर गवर्नमेंट 50% सब्सिडी भी देती है, मैंने सब्सिडी के ऊपर जिप्सम लिया है। जिप्सम के अंदर देखो 13.5% सल्फर होता है और 19% कैल्शियम होता है। हमने खेतों में अगर कैल्शियम डालना हो तो कैल्शियम नाइट्रेट का कट्टा 1100-1100 से ऊपर ही आता है, और भी जो सोर्सेज है कैल्शियम के, कैलबोर है, वो भी 1100-1100 का 25 किलो का कट्टा आता है, लेकिन जिप्सम के अंदर आप देखो 19% कैल्शियम तत्व पाया जाता है। क्षारीय भूमि, अगर अल्कलाइन भूमि है जिसकी पीएच 7 से ज़्यादा है, डिटेल में बताऊंगा, परीक्षण के आधार पर, रिपोर्ट के आधार पर जिप्सम का प्रयोग जरूर से जरूर करना चाहिए। ज़्यादातर हमारी ज़मीनें जो है पंजाब हरियाणा की ज़मीनें जो हैं क्षारीय हैं, जिनकी पीएच वैल्यू ज़्यादा होती है, अल्कलाइन है, तो उनमें हम जिप्सम डाल सकते हैं। सब्सिडी के बाद मुझे ये जो जिप्सम जो है ना 78 रुपये 75 पैसे प्रति 50 किलो बैग पड़ा था। अब तेल वाली फसलें हैं मान लो, तो उसके अंदर 10 से 15% पैदावार बढ़ जाती है जिप्सम डालने से। दालों के अंदर जो है ना प्रोटीन ज़्यादा होता है, और प्रोटीन बनाने के लिए सल्फर बहुत ज़रूरी होता है। सल्फर जो है सस्ता स्रोत जिप्सम में है। आज मैं जिप्सम के ऊपर ही बात कर रहा हूँ। अगर हमें अपनी ज़मीन की सेहत को सुधारना है, फसलों के उत्पादन को कम पैसों में बढ़ाना है, तो इस वीडियो को अंत तक देखना। इसमें हम जो है जिप्सम में कम से कम 10 फायदे बताऊंगा, और सब्सिडी कैसे प्राप्त करनी है उसके बारे में बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों, जिप्सम डालने के कम से कम 10 फायदे मैं आज बताने जा रहा हूं। हमारे हर एक जिम्मेदार ने जिप्सम के बारे में जरूर सुना होगा, जिप्सम डालते भी होंगे, लेकिन जिप्सम डालने की सही वजह का जानना बहुत ज़रूरी है। पहला फ़ायदा देखो, कैल्शियम और सल्फर की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए, भले इसके अंदर कैल्शियम भी है और सल्फर भी है, दोनों सोलुअल फॉर्म में हैं और पौधों को अवेलेबल हैं, एक फ़ायदा ये हो गया। दूसरा, फसलों में जड़ों की सामान्य वृद्धि व विकास में सहायता देता है, मतलब कि जिप्सम डालने से हमारी जड़ों की बढ़ोतरी होती है, विकास होता है। अब ये देखो, जिप्सम का प्रयोग जो है, उपयोग जो है, फसल संरक्षण में भी किया जा सकता है, क्योंकि इसमें सल्फर उचित मात्रा में होता है। सल्फर जो है ना अब चौथा तत्व बन गया है, मेजर तत्व बन गया है। अब जैसा पहले ही मैंने बताया है कि तिलहनी फसलों में, तेल वाली फसलों में जिप्सम जो है सल्फर की पूर्ति होती है, जो बीज उत्पादन तथा पौधे व तेल से आने वाली विशेष गंध के लिए मुख्यतः उत्तरदायी होता है। अब जिप्सम देने से इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, मृदा मतलब कि ज़मीन में पोषक तत्वों, सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, कैल्शियम तथा सल्फर की उपलब्धता में वृद्धि हो जाती है, मतलब एनपीके की अवेलेबिलिटी भी बढ़ाता है, तो ताकतवर तो बनेगी फसल, बिल्कुल गब्बर सिंह की तरह बनेगी। अच्छा, एक और देखो जी, कैल्शियम का मुख्य स्रोत है, कार्बनिक पदार्थों को मृदा के क्ले कणों से बांधता है, मतलब कि जो चिकनी मिट्टी होती है ना, जो क्ले होता है जो हमारा, वो कण जो है ना बहुत छोटे होते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं, बॉन्डिंग होते हैं, हमारी ज़मीन सख्त हो जाती है। लेकिन इससे क्या होता है कि उस क्ले के जो पार्टिकल होते हैं, चिकनी मिट्टी के छोटे छोटे कण होते हैं, उनके ऊपर कार्बनिक पदार्थ जो है ना वो चिपक जाते हैं, तो उससे क्या होता है, अब इम्पोर्टेंट चीज़ है, वायु का आवागमन सुगम रहता है, मतलब पोरोसिटी बढ़ जाती है, उसका जो सख्तपना है, जो कठोरता है, जो उसको हम कहते हैं ना कि मेरी मिट्टी जो है ना वो सख्त है जी बहुत, तो उसकी कठोरता को कम कर देता है, कि अगर हवा मिलेगी तो पौधों का विकास हो गई होगा, ये इसकी हवा को आने जाने को बढ़ाता है, मतलब जो कठोरपन है ये आप देख रहे हो, कठोर परत बनने से रोकता है और इसके जल प्रवेश को भी
बढ़ाता है, उसके अंदर पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब कैल्शियम की अगर कमी हो जाए पौधों में, तो उसकी ऊपर की जो पत्तियां होती हैं ना, जो पौधे की सबसे ऊपर वाली टिप होती है जो, वो सफ़ेद हो जाती है और गोल गोल होके ना वो बस क्रंच सी टाइप सी आ जाती है। और ज़्यादा कमी हो जाए कैल्शियम की तो पौधे की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, बढ़वार रुक जाती है, और बढ़ने वाली जो है ना टॉप जो है ना, जो ज़्यादा ऊपर वाली चलती है, वो भी सूख जाती है। तो जिप्सम डालने से उसकी कमी पूरी हो जाती है, मतलब पौधे की बढ़वार, उसकी टिप का सफ़ेद होना, सब कुछ रुक जाता है, ज़मीन को कठोर होने से बंद करता है, जल जो है ना ज़्यादा घुसता है उसके अंदर, और हवा भी ज़्यादा आती है जाती है। अब जिप्सम जो है ना, अब अगर हवा और पानी का आना जाना बढ़ेगा, पानी ज़्यादा पीने लग जाएगी ज़मीन, तो ज़मीन का सुधार ही हो जाएगा। लेकिन सुधार ये एल्कलाइन ज़मीन में ही होता है, क्षारीय भूमि में ही होता है, जिसकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है। और एक और बात है, अगर हमने इसको अम्लीय एसिडिक में डाल दिया तो एल्युमिनियम ज़्यादा होने के कारण जो है ना, उसकी जो टॉक्सिसिटी होती है पौधों के ऊपर, उसके हानिकारक प्रभाव को कम करता है। अब यहाँ पर ये दिखाया हुआ है 5 pH में देखो पौधों की ग्रोथ कम है, और 7 pH में पौधों की ग्रोथ जो है ना बहुत अच्छी होती है। pH का ही सारा खेल होता है। जिप्सम का उपयोग फसलों में अधिक उपज, मतलब इससे उपज तो बढ़ेगी बढ़ेगी और क्वालिटी भी बढ़ेगी, लेकिन हमें एक बात ध्यान देखनी है, जिस खेत में जिस इस्तेमाल हमने जिप्सम का इस्तेमाल करना है उसके बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन मिट्टी के जांच के बिना हमने इसका इस्तेमाल नहीं करना। अपने खेत का नमूना लें तो कहीं से भी, चाहे कृषि विज्ञान केंद्र या किसी विभाग में जाकर मिट्टी की जांच करवाएं, जांच के अनुसार ही जिप्सम डालें। अगर पीएच वैल्यू आपकी ज़्यादा है, क्षारीय है, अल्कलाइन है, तो ही जिप्सम डालें। वैसे मैं इसका केमिकल फार्मूला भी आपको बताऊँगा कि कैसे ये काम करता है। ये जिप्सम की फ़ोटो दिखा रहा हूँ आप। अब देखें, जिस ज़मीन की पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा हो जाएगी वो अल्कलाइन हो जाएगी, 7 से कम हो जाएगी वो एसिडिक हो जाएगी। अब ये जो हमारी ज़मीन जो है ना, ये जो है ना ऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स, गैसेस, पानी और जीवाणुओं से बनी होती है। अब इसका स्ट्रक्चर और कंपोजिशन अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। जो ज़मीन जो है ना हमारे पौधों के ग्रोथ के लिए, उसके विकास के लिए एक माध्यम ही है। ये पानी स्टोर करती है और पानी की सप्लाई करती है, जितने भी हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं पानी में घुल के पौधे को ही अवेलेबल होते हैं। अब ये जिप्सम क्या होता है, जिप्सम का फार्मूला होता है, देखो जी, कैल्शियम सल्फेट होता है, कैल्शियम सल्फेट और पानी के इसके अंदर दो मॉलिक्यूल होते हैं, और अगर इसके अंदर पानी का आधा मॉलिक्यूल हो जाए तो ये हमारा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं होता, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ये भी जिप्सम ही होता है। ये ठंडक प्रदान करता है और सल्फर का सोर्स तो होता ही होता है, एल्युमिनियम टॉक्सिसिटी को कम करता है, पानी का रन ऑफ इरोजन मतलब बांध के रखता है, और फास्फोरस और अदर न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है। अब एक और बात मैं बताऊँ आपको, अब जो एल्कलिनिटी होती है ना, जो अगर ज़मीन में सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट ज़्यादा हो जाए तो ज़मीन एल्कलाइन हो जाती है। एल्कलाइन होने का मतलब यही है। और ये जो कैल्शियम होता है ये सोडियम के कणों को रिप्लेस कर देता है, ये देखो सोडियम के कण उसके अंदर रिप्लेस कर देते हैं, और इसके बाद हमें पानी ज़रूर देना चाहिए। सोडियम जो है पानी में मिलकर नीचे चला जाता है, रूट जोन से नीचे चला जाता है, पौधे को सोडियम अवेलेबल नहीं होता, कैल्शियम अवेलेबल होना शुरू हो जाता है, सल्फर अवेलेबल होना शुरू हो जाता है। अब एक बात ये फिर इसमें लिखा हुआ भी है, जिप्सम देते हैं तो हमें उसकी ड्रेनेज, पानी के निकासी की, अंडरग्राउंड पानी में नीचे जाना चाहिए पानी, तो पानी देना चाहिए, या बहुत सारी बारिशें हों तो उसमें सोडियम घुल के नीचे चला जाएगा और जो है ना इसका ज़मीन का सुधार हो जाएगा, और इसके फर्टिलाइजर्स की जो है ना अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, एल्कलिनिटी सॉइल की कम हो जाएगी और पैदावार में बढ़ोतरी होएगी। हरियाणा सरकार ने एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है HLRDC, हरियाणा लैंड रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, हर एक स्टेट ने बना रखा है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये डिपार्टमेंट है, वहाँ से हम जिप्सम की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ से आपको एक फार्म मिलेगा, आप देखो ये वाला फार्म मिलेगा, आप वो भरकर अपना डिटेल भरकर, कितनी ज़मीन है, क्या आपका नाम है, फादर नाम, गाँव सब वगैरह लिख कर अपने गाँव के सरपंच या नंबरदार से अटैच करवा लो, डिपार्टमेंट में जमा करवा दो। मैंने भी ऐसे किया, साथ में आधार कार्ड भी दिया था,
50% सब्सिडी पर जिप्सम प्राप्त हो जाएगा। पैसे जमा कर दिए थे फिर जिप्सम आ गया था। मैं आपको ये बिल भी दिखा देता हूँ। इस बिल में 10 मीट्रिक टन मतलब कि 200 कट्टे जिप्सम जो है मुझे मिला था, और मैंने एक अपने बेटे के नाम से भी लिया था, तो टोटल मैंने 400 बैग लिए थे। तो मैं आपको एक बिल दिखा रहा हूँ, ये 30,000 रुपये का बिल है, सब्सिडी 15,000 रुपये काट के बचे 15,000 रुपये, उसके ऊपर GST लगा, ये 750 रुपये उसके लगे। तो मुझे 200 बैग जिप्सम जो है 15,750 रुपये ही देने पड़े, 78.75 रुपये का ही जिप्सम मिला है। अभी तो मैंने ये जिप्सम जो है ना सड़क पर ही उतार दिया, कणक के खेतों के पास ही, गेहूँ काटने के बाद फानों से रीपर चलाने के बाद जब तूड़ी बन जाएगी तो लगभग 15-17 बैग पर एकड़ के हिसाब से मैं अपने खेतों में डाल दूँ। मेरे खेतों की pH 8.2-8.3 है। अब जो सल्फर है वो तो 1.5 साल तक 3 छमाही तक फसलों को मिलता रहेगा, और कैल्शियम जो है सालों साल दसियों साल तक खेत में पड़ा रहेगा, ये कहीं नहीं जाता, हमारे पौधों को मिलता रहेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो, मेरा प्रयास सार्थक लगा हो, समझ में आई हो बात, तो आप जिप्सम जरूर डालो, सच्चा सस्ता और सच्चा सौदा है। और मेरी इस वीडियो को लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो और सब्सक्राइब। थैंक यू।